जय हिंद। मेरा नाम अमन चुघ है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchughca.com पे विजिट कर सकते हैं। साइडली आप ये एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स देख रहे हैं एंड यहां पे मेजरली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। एंड जैसे हमने पहले अकाउंट्स के ऊपर एजुकेशन सीरीज करी थी एंड अब हम इकोनॉमिक्स के ऊपर जो एजुकेशन सीरीज कर रहे हैं, इसका पर्पज यह है कि हमें इकोनॉमिक्स या जो भी सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं ये हमें बेसिकली फंडामेंटली लॉजिकली समझ आए, रादर देन जो हम क्रैम करने की कोशिश करते हैं उससे हमें मजा नहीं आता। एंड आज के युग में, आजकल के मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में हमें इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स लॉजिकली समझ आना बहुत जरूरी है, चाहे हम फाइनेंस बैकग्राउंड के हों या चाहे फाइनेंस बैकग्राउंड के ना हो। एंड इसी के तहत मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कुछ एपिसोड्स, जो प्रीवियस एपिसोड्स थे उसमें हमने फंडामेंटली समझने की कोशिश करी कि किताब वाला जब 11th या 12th या जब बीकॉम या बीबीए या एमबीए की जो बेसिक किताबें होती हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं वहां पे क्या क्या अजम्पशंस मानी जाती हैं जो कि हमें कई बार कंफ्यूज करती हैं, जिसको हमने समझने की कोशिश करी कि वो अजम्पशंस बुक्स तक सीमित रहती हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी अजम्पशंस कई बार वर्क नहीं करती। इस एपिसोड में मैं मेजरली आपको यह जिक्र करना चाहता हूं कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो हम आज की डेट में जो इकोनॉमिक्स देखते हैं, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनफैक्ट एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। एंड एडम स्मिथ साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि जो नेशंस वेल्दी होते हैं या जो नेशंस पुअर होते हैं उसके मेजरली क्या कॉजेज होते हैं, उनकी क्या नेचर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि जिस इकोनॉमी के पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो ज्यादा अमीर होगी, मगर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। जैसे कि अफ्रीका में कई ऐसे नेशंस हैं जहां पे कई तरह के रिसोर्सेज हैं मगर वो अफ्रीकन नेशंस बहुत पुअर हैं। सिमिलरली लैटिन अमेरिका जो एरिया है वहां पे कई तरह के रिसोर्सेज हैं मगर फिर भी लैटिन अमेरिका में कई तरह के ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत पुअर हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी इकोनॉमी में ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो अमीर होगा, पॉसिबली वो रिसोर्सेज को जब तक यूज ना किया जाए, उसको एक एंड रिजल्ट ना बनाया जाए, उससे हम अल्टीमेटली इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं मगर उनको उस रिसोर्सेज को बाहर निकालना नहीं आता, एक्सट्रैक्शन करना नहीं आता उस मिनरल्स को, उस रिसोर्सेज को, या उस रिसोर्सेज को एक फिनिश्ड लॉजिकल प्रोडक्ट में बनाना नहीं आता। यानी कि वहां पे हो सकता है टेक्नोलॉजी की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है या हो सकता है बिजनेस इंटेलिजेंस की कमी है, वहां पे स्किल्ड लोग नहीं है जो उस रिसोर्सेज को अल्टीमेटली एक फाइनल प्रोडक्ट में या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर पाए, यानी कि इंटेलिजेंस की कमी है, या टेक्नोलॉजी है मगर टेक्नोलॉजी को यूज करने की स्किल सेट नहीं है, या स्किल सेट है मगर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण नॉर्मली ये कंट्रीज अपने रिसोर्सेज या तो किसी को एक्सपोर्ट करते हैं या कोई और कंट्री उनके कंट्री में आके ये सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है एंड खुद अमीर बन जाता है मगर वो कंट्री बेचारा गरीब का गरीब रहता है। इसका मतलब ये एक तो है कि रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है एंड दूसरा है उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, उस रिसोर्सेज को यूज करके एक एंड प्रोडक्ट या सर्विस बनाना एक अल्टीमेटली बहुत जरूरी प्रोसेस है। एंड इसी के तहत शायद हमें यह समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंट लेबर एक एक तरह से डायनेमिक रिसोर्स है। यानी कि हम कई बार कहते हैं लैंड एक तरह का रिसोर्स है, कैपिटल एक तरह का रिसोर्स है यानी कि पैसा, एंड इसके अलावा जितने भी मिनरल्स हैं जो हम समझते हैं या लेट अस से मेटल्स हैं जिसको हम रिसोर्सेज समझते हैं, मगर ये सारे अल्टीमेटली इसको यूज करने के लिए जो डायनेमिक रिसोर्स है वो हमेशा लेबर है। एंड लेबर अगर स्किल्ड नहीं है तो नॉर्मली डायनेमिक रिसोर्सेज को यूज नहीं करा जा सकता। एंड लेबर के साथ साथ अगर स्किल्ड है मगर उसके अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो शायद कई साल लगा देगा अल्टीमेटली अमीर बनने के लिए या देश को अमीर बनने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी से काम फटाफट होता है मगर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी वही डायनेमिक रिसोर्स जो लेबर है उसके पास उसकी एक्यूमेन होनी चाहिए, उसके पास बिजनेस इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एंड साथ में ये जो ह्यूमन है इसको ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो रिसोर्सेज के हिसाब से मैं क्या ऐसी चीज बनाऊं जो अल्टीमेटली यूज हो पाएगी। पता लगा उस रिसोर्सेज को वैसे यूज करके कुछ ऐसा चीज बना दे जिसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई यूसेज नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये सारी बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एक्यूमेन, हाउ टू यूज रिसोर्सेज, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, ये डायनेमिक रिसोर्स लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश में जहां पे लेबर इंटेलिजेंट है, स्किल्ड है, मॉडर्नाइज्ड है,
थॉटफुल है, एनालिटिकल है, वहां का देश नॉर्मली प्रोग्रेस या प्रॉस्पर हमेशा करता है। अब अल्टीमेटली ये जो गुड्स है, यानी कि हम मैं कुछ गुड्स का जिक्र करना चाह रहा हूं, ये जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यानी कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में जिक्र जीडीपी के बारे में करेंगे अगले एपिसोड में, और फिर नेशनल इनकम और इनकम के बारे में भी जिक्र करेंगे इन द फॉलोइंग एपिसोड्स में भी, बट उससे पहले शायद समझाना मैं ये चाहता हूं कि गुड्स एक तरह के इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं और एक फाइनल गुड्स होते हैं। सो कायदे से समझिए, लेट अस से फार्मर ने कॉटन उगाया एंड कॉटन उसने किसी यार्न मिल को बेच दिया एंड यार्न मिल ने उसका एक तरह से यार्न बनाया एंड उसने बेच दिया एक टेक्सटाइल मिल को एंड टेक्सटाइल मिल ने उसी यार्न का एक क्लॉथ बनाया एंड उस क्लॉथ को उसने बेच दिया किसी आर्टिस्टिक आर्टिजन को एंड उसने उस क्लॉथ को एक बढ़िया या तो एक मैट बना दिया जो हम डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, या हो सकता है सेंटर टेबल पे रखते हैं, या उस क्लॉथ को हो सकता है सोफा के ऊपर बिछाते हैं। यानी उस क्लॉथ को आर्टिस्टिक वे में जो फिनिश गुड बना, वो जो फाइनल आर्टिस्टिक जो क्लॉथ है, वो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स बोलते हैं इसको। एंड इससे पहले जो कॉटन था, यार्न था, क्लॉथ था, जब तक वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनल गुड्स की प्रोसेस में खत्म नहीं हो जाता, वो तब तक उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। यानी कि कोई भी गुड्स जिसके ऊपर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होती है बाय प्रोड्यूसर, वो अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड जब ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसर खत्म हो जाती है, फाइनल जब प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। ये ध्यान रहे, मैं दो वर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट यूज कर रहा हूं, एक है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। यानी कायदे से अगर आप देखें कि हम अपने घर में चाय पत्ती लेकर आते हैं, चाय पत्ती नॉर्मली टी लीव्स होते हैं, मगर हम चाय बनाने के लिए टी लीव्स को उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं चाय बनाने के लिए, मगर हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम कंज्यूमर हैं। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली वो टी लीव्स फाइनल गुड्स ही है, चाहे टी लीव्स बोल लो या जो हम चाय बना के पी रहे हैं वो भी टी लीव्स बोल लो या टी बोल लो, वो फाइनल गुड ही है। यानी कि हम घर के किचन में कई ऐसी आइटम्स लेकर आते हैं जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं खाना बनाने के लिए, मगर जो किचन एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मगर यही अगर चाय बनाने वाला वेंडर, जो बाहर जहां से हम उसके पास जाके चाय पीते हैं, वो टी लीव्स से चाय बना के हमें बेचता है, तो फाइनल गुड्स वो चाय है, वो टी लीव्स नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। यानी कि कंज्यूमर अगर कोई फाइनल गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो फाइनल गुड्स सेम ही रहता है, मगर प्रोड्यूसर भी अगर कोई फाइनल गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो फाइनल गुड्स का ट्रांसफॉर्मेशन उससे पहले वाले गुड को हम फाइनल गुड नहीं बोलेंगे, उसको इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे। यानी कि टी लीव्स हालांकि दिखता फाइनल है, मगर अगर वो प्रोड्यूसर जो चाय बनाता है, जिसका चाय का बिजनेस है या टी स्टॉल लगाता है, वहां के लिए टी लीव्स इंटरमीडिएट गुड बन गया एंड जो चाय वो बना के बेचेगा वो फाइनल गुड्स बन गया। मगर यही टी लीव्स जब हम घर पे अपने लिए चाय बनाते हैं, अपने गेस्ट के लिए चाय बनाते हैं, यही टी लीव्स फाइनल गुड्स है, चाहे इसका फॉर्मेट टी बन के हम अपने आप को सर्व करते हैं, किसी और को सर्व करते हैं। यानी इसका मतलब ये, एक गुड्स हो गए इंटरमीडिएट गुड्स और एक हो गए फाइनल गुड्स। अभी जो फाइनल गुड्स हैं, ये भी मेजरली दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो वो जो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि हम अपने घर में ले आते हैं, टीवी ले आते हैं, रेडियो ले आते हैं, सोफा ले आते हैं, बेड ले आते हैं, या कई बार दूध लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, अंडे लाते हैं, कपड़े लाते हैं, जूते लाते हैं, ये सब कंज्यूमेबल गुड्स है, क्योंकि हम इसको कंजम्पशन कर रहे हैं। एंड एक तरह के गुड्स होते हैं जो नॉर्मली उससे फर्दर वो प्रोडक्शन में मदद करता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इंप्लीमेंट जो हम यूज करते हैं, या कई फैक्ट्रीज में मशीन से और फर्दर प्रोडक्शन होती है, वो कैपिटल गुड्स हैं, वो कंजम्पशन गुड्स नहीं, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो उसको फर्दर यूज करके और गुड्स प्रोड्यूस करेगा। मगर यहां पे हम कंज्यूमेबल गुड्स को यूज करके बेनिफिट और अपने आप को कंफर्टेबल पोजिशन, या उसको हम यूज करके ड्यूरेबिलिटी खत्म करते हैं। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी बात आती है, आप ये सोच रहे कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो ड्यूरेबल है, नहीं, कई कंज्यूमर गुड्स भी हैं जो ड्यूरेबल हैं, जैसे कि सोफा ड्यूरेबल है, टीवी ड्यूरेबल है, कई सेमी ड्यूरेबल हैं, जैसे कि कपड़े सेमी ड्यूरेबल हैं, या लेट अस से सॉक्स, पैंट्स, शर्ट्स, टाइज सेमी ड्यूरेबल है, बटन्स सिमिलरली सिंगल ड्यूरेबल, दूध, ब्रेड, अंडे, एक ही बार ब्रेड खाई, अंडा तोड़ा, हाफ ब्रेड बनाया, ऑमलेट बनाया, खा लिया, दूध पी लिया, ये सिंगल ड्यूरेबल है, चॉकलेट खा ली, ये सिंगल ड्यूरेबल है। यानी सिंगल ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ये तीन कैटेगरी कंज्यूमर गुड्स में हो सकते हैं, मगर कैपिटल गुड्स भी ड्यूरेबल है। मगर वो कैपिटल गुड्स का फर्दर पर्पस क्या है,
वो फर्दर पर्पज है कि कैपिटल गुड्स और फर्दर प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। यानी कि हमें फिलहाल ये समझ आया कि दो तरह के मेजर गुड्स होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स में भी दो तरह की फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, एक होता है कंज्यूमेबल गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में फर्दर तीन तरह की कैटेगराइजेशन होगी, सिंगल ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। इसलिए हम कई बार जो ड्यूरेबल कंजम्पशन के लिए जो गुड्स होते हैं उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी बोलते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। यानी कि हमें इस एपिसोड में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स समझ आए होंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स समझ आए होंगे। हम फर्दर इसी को स्टेपिंग स्टोन लेके और फर्दर एपिसोड में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करते हुए वो जो नेशनल इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है, जीडीपी होती है, फिर वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है, फैक्ट्री कॉस्ट पे होती है, ये सब धीरे धीरे करके हम आराम से समझेंगे। मगर उसके लिए पहले जो पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे वो भी देख लीजिए। एंड कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स अपने पोस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप अभी भी यूट्यूब पे मेरे साथ कनेक्ट नहीं हुए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अमन चुग सीए चैनल को। साथ में इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलते हैं, फर्दर कोई क्वेरीज होंगे तो आप पोस्ट कर देना ताकि उन क्वेरीज को भी डिस्कस करेंगे एंड फर्दर इस जर्नी को चलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।